शॉर्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है हाउ मैनी एक्सपेरिमेंट्स कैन यू रिकॉल दैट सपोर्ट द वेव थ्यूरी ऑफ लाइट द पार्टिकल थ्यूरी ऑफ लाइट द वेव थ्यूरी ऑफ मैटर द पार्टिकल थ्यूरी ऑफ मैटर इसमें बच्चों आपने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के नाम साइंटिस्ट के साथ बता देने हैं द एक्सपेरिमेंट विद सपोर्ट द वेव थ्यूरी ऑफ लाइट आर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एक्सपेरिमेंट विद सपोर्ट द पार्टिकल थ्यूरी ऑफ लाइट आर फोटो इफेक्ट कॉम्प्टन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन द एक्सपेरिमेंट विच सपोर्ट द वेव थ्यूरी ऑफ मैटर आर डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरीमेंट एंड जी पी थॉम्सन एक्सपेरीमेंट जो इसी चैप्टर में आपने पढ़े हैं द एक्सपेरिमेंट विच सपोर्ट द पार्टिकल थ्यूरी ऑफ मैटर आर जे जे थॉम्सन एक्सपेरीमेंट टू फाइंड ई बैम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये फसी में है ई बम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटर्मिन करने का एक्सपेरिमेंट जे जे थॉम्सन का और ये फोर्थ ईयर में एक प्रैक्टिकल भी है नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इज एन इलेक्ट्रॉन अ पार्टिकल इज इट अ वेव एक्सप्लेन योर आंसर साइटिंग रेलेवेंट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये फर्स्ट से मिलता जुलता ही है फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन से इन 1924 डी ब्रॉगली प्रपोज दैट पार्टिकल एक्ट एज वेव एंड द वेव एक्ट एज पार्टिकल डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे शोड दैट electrons are diffracted from the metal crystal in the same manner as x-rays and any other wave hence electrons show wave-like properties j.j thomson while measuring e by m of electron showed that electron is a particle thus electrons show particle-like nature as well as wave-like nature

पार्टिकल और वेव दोनों सिचुएशंस में कंसिडर करते हैं ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन को भी कर सकते हैं और यही आपने इसमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है लेकिन इसकी वेव भी एग्जिस्ट करती है तो ये वेव्स की तरह भी बिहेव करता है पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करता है फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है इफ़ द पार्टिकल्स लिस्टेड इफ द पार्टिकल्स लिस्टेड बिलो आल है सेम एनर्जी कुछ पार्टिकल्स के नाम दिए हुए हैं उनकी एनर्जी सेम है विच हैज़ द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ तो वेव लेंथ सबसे शॉर्ट किसकी होगी इलेक्ट्रॉन है एल्फा पार्टिकल है न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आपके पास ही इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर होती है कार्नेटिक एनर्जी यहाँ से आप विलोसटी कैलकुलेट करें इसको रीअरेंज करके तो वो आपके पास आ जाएगी वी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ई एम देन वी इज इक्वल टू टू ई टू ई ओवर एम अंडर रूट तो इसको हमने जो वी की वैल्यू कैलकुलेट की है वो डी ब्रॉगली वेवलैंग का फॉर्मूला लैमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी में सब्सिट्यूट कर दें तो लैमडा आपके पास आ जाएगा एच ओवर टू एम ई अंडर रूट अब इसमें देखें वेव लेंथ मैस के इन इनर्जी तो सेम है एच इसमें कॉन्स्टेंट है टू अंडर रूट भी कांस्टेंट आ गया अब एम और ई e है एनर्जी आपको कांस्टेंट बता दी अब मेन है मैथ और वेवलेंथ है मैस मैथ के स्क्वेयर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अब जिस पार्टिकल का मैथ सबसे ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी और अल्फा पार्टिकल इनमें सबसे हैवी है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी